बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला सामने आया है। गुजरात 2002 दंगों में कई मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और कई मासूम बहन बेटियों का बलात्कार किया गया था। बिल्किस बानो के परिवार के कुल 7 लोगों का कत्ल कर बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। बिल्किस बानो के केस में CBI इंक्वायरी के बाद महाराष्ट्र कोर्ट ने तमाम 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन बलात्कारियों की सजा पूरी होने से पहले साल 2022 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर गुजरात BJP सरकार ने तमाम दोषियों को रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो ने गैंग रेप कर परिवार के साथ लोगों का कत्ल करने वाले दरिंदों को सजा से पहले जेल से रिहा होता देख 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन दरिंदों को वापस जेल भेजने की गुजारिश की थी। बिल्किस बानो की याचिका पर 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, सजा अपराध को रोकने के लिए दिलाई जाती है और गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। गुजरात सरकार दोषियों को माफ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्किस बानो केस में सजा की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, तो इस केस में फैसला सुनाने का अधिकार भी महाराष्ट्र सरकार को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम 11 आरोपियों को 2 हफ्ते के दरमियान वापस जेल भेजने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद असदुद्दीन अवैसी ने प्रेस मीट कर कहा, BJP सरकार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कराकर साबित कर दिया कि ये बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, चाहे सेंट्रल में हो या स्टेट में, BJP सरकार हमेशा बलात्कारियों को सपोर्ट करती आई है। 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और मोदी के राज में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और कई मुस्लिम माँ बेटियों का बलात्कार किया गया था। नरेंद्र मोदी एक तरफ आज नारी शक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ बलात्कारियों को सपोर्ट करते हैं। आगे और मजीद अवैसी ने इस मामले में क्या कहा, इस वीडियो में एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open contact for details. आप तमाम लोग जानते हैं, मुल्क जानता है, मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में उनकी बेटी की, उनकी माँ की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की BJP की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी, इंसाफ के लिए, अपनी इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब BJP नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही ख़राब माहौल था, तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि BJP ने ही इन रेपिस को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। BJP के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे BJP की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो BJP एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में BJP की सरकार रेपिस की मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें BJP के दो MLAs ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस को छोड़ दिया जाए और एक BJP के MLA ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो BJP की सरकार है वहाँ पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये अख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूँ, खैर मुकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस को छोड़ दिया जाए। रेपिस जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है,
और अगर कोई रेपिस्ट ये समझ रहेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी का मैं मानने वाला हूँ तो मुझे सरकार छोड़ देगी, वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको नहीं छूट मिलेगी। और आखिरी बात ये है कि इस तमाम चीज़ों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के आज जो वजीर हैं जनाब अमित शाह, उन्होंने अप्रूवल दिया था इनका रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, और एक जुलाई 11, 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह का लेटर दिया, तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और इन्होंने यहाँ पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया इससे एक्सपोज होते हैं। बताइए बुलडोज़र कहाँ चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहाँ चली गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा, इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफ़ी चाहे, बिल्किस बानो से माफ़ी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफ़ी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.